मरकजे खानकाहे नियाजिया के सज्जादानशीन बने मेहदी मियाँ। बरेली में सूफी सिलसिले की खानकाहे नियाजिया के सज्जादानशीन हजरत हसन मियाँ नियाजी हसनी मियाँ का बीते मंगलवार को निधन हो गया था। वह लगभग 70 वर्ष के थे। हजरत हसनी मियाँ पिछले 3 दशकों से खानकाहे आलिया नियाजिया में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हजरत हसनी मियाँ के अनुयायियों में धर्म का कोई बंधन नहीं था, इसीलिए उनके जितने मुरीद मुसलमान हैं, उससे कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम मुरीद हैं। परिजन कमाल मियां ने बताया, आज उनकी सेम की फातिहा दरगाह पर हुई, जिसके बाद गद्दी नशीन हसनी मियां के बड़े साहबजादे मेहंदी मियां ने हसनी मियां की गद्दी संभाली। कमाल मियां जी, हजरत जानना चाहेंगे, आज हसनी मियां साहब का विसाल के बाद आज सेम की फातिहा क्या रस्म अदा की गई? सेम की फातिहा में तिलावत कुरान पाक और जो चले पढ़े जाते हैं के बाद फातिहा खानी हुई। सज्जादा नशीन मेहंदी मियाँ साहब नज़्ज़ल्लाहु अली ने फातिहा, इसमें तमाम दरगाहों के गद्दी नशीन तमाम खानवादे खानकाह नियाजिया मुरीदीन मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन ने शिरकत करी। उसके बाद असर मगरिब के दरमियान फिर नज़र हुई खाने पे, फलों पे और जो भी सामान होता है, और जो आ रहे थे जिन्होंने तिलावत कुरान पाक करी थी, कलमे पढ़े थे, दुरूद पढ़े थे, उनका हदिया पेश किया गया। वो भी जनाब मेहंदी मियाँ साहब सज्जाद नशीन खान पाए नियाजिया ने पेश करी। उनकी क़यादत में ही वो रस्म अदा की गई, क्योंकि उन्होंने उनके वालिद श्याह मोहम्मद हसनैन उर्फ हसनी मियाँ साहब कबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हयात ज़ाहिरी में ही उन्हें अपना सज्जादा मुकर्रर कर दिया था। और पूरी तालीम जब उनकी मुकम्मल हो गई, दुनियावी रूहानी तालीम दे के उन्होंने उसका ऐलान कर दिया था कि ये मेरे सज्जादा होंगे। देखिए, औलिया अल्लाहों का ये नहीं कि ऐसे ही कर दें, जब पूरा तैयार कर देते हैं, अहल कर देते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं। तो आपने कर दिया और माशाल्लाह से बहुत अपने वालिद के नक्श कदम पर हैं और पीराने उज़ाम खानकाह नियाजिया के नक्श कदम पर हैं। बहुत दीनदार अल्लाह वाले आदमी हैं और पूरी दीनी तालीम है और वो अच्छी तरह रहनुमाई कर रहे हैं। हमारी दुआ है तमाम मुरीदीन की तरफ से, मैं कहता हूँ उनकी और पूरे ख़ानदान की, अहले ख़ानदान की दुआ है, अहले ख़ानदान के साथ ही ये दुआ है, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज दे और वो सिलसिले नियाजिया की रुश्द व हिदायत की खिदमत जारी रखें, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। और जानना चाहेंगे कि इनके गद्दी नशीन जो मनाए गए हैं वो कितने नंबर के, इससे पहले कितने लोग गद्दी नशीन, इससे पहले 5 है, ये 6 नंबर पे हैं। और शब्बू मियाँ नियाजी साहब जो हैं वो मैनेजर हैं और मेहंदी मियाँ जो हैं उनके, वो उनके दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं। तो ये भी आप लोगों को, हसनी मियाँ साहब ने कितने समय तक सेवा की? हसनी मियाँ साहब कबला 1980 में मसनद नशीन हुए थे अपने वालिद अपने पीर मुर्शिद के पर्दा फरमाने के बाद। 40 साल आप मसनद नशीन रहे और आपने सिलसिले नियाजिया को फ़रोग दिया और रुश्द व हिदायत का सिलसिला हमेशा जारी रखते थे। हमेशा अखलाक और बर्दाश्त के बर्दाश्त करो, अखलाक अच्छा होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए और सखी थे तमाम। आप देख रहे हैं तमाम, जब तक आप हयात रहे अपनी ज़िंदगी में, आपने लोगों की जो भी हाजतमंद आते थे और वैसे भी ज़रूरतमंदों की तमाम पैसे से, अनाज से, कपड़े से, हर सूरत से मदद फरमाई, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हिंदू मुस्लिम के। क्योंकि खानकाह नियाजिया एक ऐसी जगह है जहाँ तमाम अहलुल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके यहाँ सब बराबर होते हैं, जो भी गरीब आया, मजदूर आया, और हर जुमे को आप बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे और आप खामोशी से उनकी मदद फरमाया करते थे। लोग आते थे जो बीमार आदार थे उनकी दुआ करते थे, जो माली आते थे उनकी मदद करते थे। 40 साल आपने हिंदुस्तान, बैरून हिंदुस्तान, यूरोप वगैरह, जर्मन वगैरह का दौरे किए और तमाम जगह सिलसिला नियाजिया की
शाखें हैं जहाँ जो आप यहाँ से उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। अब इंशाल्लाह ताला उनके जो जानशीन हैं मेहंदी मियां साहब की ये जिम्मेदारी सुपुर्द है और वो खानकाह नियाज़िया के सज्जादा नशीन हैं और बहुत दीनदार अल्लाह वाले आदमी हैं। अपने वालिद पीर व मुर्शिद की जनाजे की नमाज भी उन्होंने ही पढ़ाई और जो तरकीन दी जाती है जो मज़ार के अंदर उतर के दी जाती है वो सज्जादा ही देते हैं, तो उसकी पूरी तालीम थी। उन्होंने उतर के और कपड़ा डाल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तलकीन दी जाती है, तरीक़ा सूफिया इकराम में है, तो पूरी तलकीन दी उन्होंने, नमाज पढ़ी और लोगों को सब्र और तहम्मुल की। खुद उन पर इतना ज़्यादा बड़ा गम था जो बर्दाश्त नहीं, लेकिन लोगों को तसल्ली दे रहे थे, सब्र की तलकीन कर रहे थे और जिम्मेदारी अपनी समझ रहे थे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनको सिलसिले की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश और हिम्मत अता फरमाए। ये हम सारे लोगों की दुआएं हैं और सब लोग उनके साथ।